नमस्ते दोस्तों, आज हमारा प्रकृति रक्षकी वृक्ष रक्षकी विनोदताई के साथ अखंड भारत वृक्ष रक्षा का हम दोनों है बोरवेली पुलिस स्टेशन का सामने। मैं जो वीडियोस डाला वो वीडियो में एक आदमी जाड़ को लाइटिंग डाल के सीसीटीवी लगाया हुआ, तो एक महीने से उसका निवारण करने के लिए अरण्य अधिकारी और बीएमसी सबसे बात कर रहा था विनोदताई। वो आदमी नहीं सुना तो उनको जाके निकालने को बोला, तो वो आदमी इनको बहुत धमकी दिया, उल्टा बात किया, बात करके बहुत वो वीडियो सब में डाला है फेसबुक में। डालने का बाद भी फिर से वो पुलिस स्टेशन में जाके वो वीडियोस पूरा सबूत है, रॉन्ग कंप्लेंट्स दिया उल्टा। पुलिस इंस्पेक्टर भी एक औरत भी नहीं देखा इनको, बहुत रॉन्ग बात किया। हम लोग गया तो उल्टा पुलिस को धमकी दिया, बोल के आपके ऊपर केस डालेगा बोल के बोला। इधर वो सागर धुमाल जी हैज धुमाल जी हैज बिहेव्ड वेरी बैडली विथ अस। वी टोल्ड वो आदमी का कंप्लेंट में दम नहीं, तो वो आदमी से वो लोग क्षमा लेके उनको छोड़ दिया। हम लोग बोला नहीं, एक औरत के ऊपर वो वीडियो में जो बिहेव किया वो गलत है, FIR लॉज करो बोलेगा, तो आप दोनों के ऊपर पुलिस के ऊपर धमकी दिया बोल के केस डालेगा बोला। ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, हम लोग को इधर ही रुका के रखा है। एक्चुअली दिस इज लॉ। हम लोग पूरा अखंड भारत में बहुत बच्चे वृक्ष रक्षणा कर रहे हैं, वो वृक्ष रक्षणा के लिए हम लोग तन मन धन लगाया, आप लोग को मालूम है। इसमें ये लोग न्याय अन्याय नहीं देखा, ये आके उल्टा हम लोग को ये धमकी दे रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग मैटर है। हम दोनों को भगत सिंह जैसे महापुरुषों को, मर्यादा लोग को एक आराधना है। हम लोग को अच्छा काम के लिए अरेस्ट होना दुख की बात नहीं है, बट आज हम लोग जाड़ को भी रक्षा करना पड़ रहा है, जाड़ के साथ समाज रक्षक का अगेनेस्ट भी बात करना पड़ रहा है। आप अभी विनोद अम्मा का पूरा बात सुन लीजिए। नमस्ते दोस्तों, मैं विनोदा, अखंड भारत वृक्ष रक्षण संगठन। अभी मैं बोरीवली पुलिस स्टेशन वेस्ट में खड़ी हूँ। मैं वज्रानाका के गणपति मंदिर में गई थी, वहाँ पर दो पेड़ों के ऊपर बुरी तरह से स्टेपलर पिन मार के, किले मार के, सीसीटीवी कैमरा और कुछ पैम्पलेट्स लगाए हुए थे। तो मैंने एक बंदे को पूछा कि ये आपका हॉल है, इसमें आपने लगवाया है, तो वो उल्टा मुझ पे ही डांटने लगा, मुझे ही गंदी गंदी बातें बोलने लगा। मैंने उसको कुछ आंसर नहीं दिया, मैंने जस्ट इतना ही बोला है कि पेड़ के ऊपर जो कुछ लगा है वो गलत है, उसको निकालना है। उसके बाद उसने ऑनलाइन में पुलिस को कंप्लेंट किया। मैंने बोला ओके, आप पुलिस आने दीजिए। पुलिस आई, मुझे स्टेशन लेके आए। पुलिस स्टेशन आने के बाद पुलिस ने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी। मैंने सारे रिकॉर्ड्स उनको, वीडियोस उनको बताए कि ऐसा ऐसा हुआ है करके, तो उन्होंने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी। उस लड़के को बोला कि तेरे को क्या करना है। जब उस लड़के को पता चला कि वो गलत है, तो उसने पुलिस से माफ़ी मांगी और बोला कि मुझे कंप्लेंट वापस लेनी है। तो मुझे भी उन्होंने पहले पूछा, तो मैंने बोला ओके करके बोला, पर बाद में मैंने मेरा डिसीजन चेंज किया। मैंने बोला नहीं, मुझे इस लड़के के ऊपर FIR करना है, मुझे कंप्लेंट देना है। तो मुझे बोलते हैं पुलिस ऑफिसर सागर धुमाल, बोलते हैं कि ये लेडी को बिठा के रखो, इसको अभी मैं खंडन नहीं करूँगा, इसके ऊपर मैं चार्जेस लगाऊंगा, इसको मैं पुलिस स्टेशन जेल के अंदर डालूंगा। ऐसा बोल के वो चले गए वहाँ से। हम वहाँ पुलिस स्टेशन में हमको बोला कि आप बैठो। हाँ, उसके बाद अहोरात्रा जी आए वहाँ पर, उन्होंने उनसे बात करने की कोशिश की, तो वो उनको भी बोल रहा है कि आपने पुलिस को धमकाया, आपके ऊपर भी मैं केस करूँगा, आप भी बैठो, मैं जब तक आता नहीं हूँ तब तक आपको यहाँ बैठना पड़ेगा। और ऐसा पुलिस को धमकी दिया बोल के 252 लॉज करके 2 साल अंदर डालेगा बोल के ऐसे धमकी दिया। आप लोग चाहिए तो हम लोग सीसीटीवी का फुटेज मांगूंगा। हमारा कोई ऐसा बिहेवियर होता तो हम लोग रेडी है हर चीज के लिए। हम लोग न्याय मांगा, FIR मांगने से वो बोला आपके ऊपर भी चार्जेस लगा के अंदर डालेगा। हम लोग भागेगा सोचा, हम लोग इधर ही पुलिस स्टेशन में खड़ा है, हम लोग का ऊपर जो भी चार्जेस लगाने दो। हम लोग सीनियर इंस्पेक्टर को भी कंप्लेंट करने को गया तो कि सीनियर इंस्पेक्टर नहीं था जी।
ये सब कुछ हो रहा है यहाँ पर, यानी कि प्रकृति की रक्षा के लिए अगर कोई आगे बढ़ता है तो रक्षक हम कुछ ये सपोर्ट करने के बजाय जिसने गलत किया है, जिसने बैड वर्ड्स यूज किया है उसी को रक्षा कर रहे हैं, वो उल्टा मेरे पे बोल रहे हैं कि तुमने उससे 500 रुपया मांगा है ये गलत है करके मुझे ही उन्होंने धमकाया है। हम लोग विनोदताई के साथ अखंड भारत वृक्ष रक्षा, धन्यवाद, अहोरात्र।